देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई प्रेस, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बॉलीवुड खिलाड़ी अक्षय कुमार बहुत ही जल्द नजर आने वाले हैं बच्चन पांडे नाम की एक फिल्म में, लेकिन इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा बवाल मचा है फिलहाल सोशल मीडिया पर, जहां पर कुछ क्रिटिक्स का ये कहना है कि ये फिल्म साउथ की फिल्म वीरम का रीमेक है, तो कुछ लोग इसे पूरी तरह से इनकार कर रहे हैं। आपको बता दूं कि कल किसी क्रिटिक ने ये कह दिया कि ये थलाजीत और तमन्ना भाटिया की 2014 में आई फिल्म वीरम का रीमेक है, तो कई लोग इससे इनकार कर रहे हैं। यहाँ तक कि वीरम फिल्म के डायरेक्टर शिवा ने भी इस बात से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। शिवा का कहना है कि उन्होंने अपनी फिल्म की वीरम की स्टोरी राइट्स विजय प्रोडक्शन नाम की एक कंपनी को बेच दी थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल नहीं पता है कि बच्चन पांडे फिल्म वीरम पर बेस्ड है, यानी कि इस खबर में पूरी तरह से सच्चाई नहीं है। वैसे आपको बता दूं कि अक्षय कुमार लक्ष्मी बम नाम की भी एक फिल्म कर रहे हैं जो साउथ फिल्म कंचना के ऊपर बेस्ड है। तो ऐसे में सोशल मीडिया पर सवाल ये उठ रहा है कि अगर अक्षय कुमार की फिल्म वीरम की रीमेक नहीं है तो आखिर किस फिल्म की रीमेक है, या फिर एक ओरिजिनल आइडिया है। आपको क्या लगता है कि बच्चन पांडे फिल्म ओरिजिनल है या एक रीमेक है, जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो मुंबई प्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।